अगर झांसी बाज़ार के फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर झांसी बाज़ार यूट्यूब चैनल पे हैं तो नीचे सब्सक्राइब आ रहा है लिखा हुआ रेड कलर में, उसको दबा दीजिए। फिर एक छोटी सी बेल आएगी, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। वी विल बी स्टेइंग कनेक्टेड एंड यू विल गेट ऑल माई वीडियोज़ अलर्ट्स एज वेल एज फर्स्ट प्रायोरिटी टू विजिट माई वीडियोज़। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यार बड़ी असमंजस है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। हैं, पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था। लोग बाग कह रहे थे यार पता नहीं क्यों लगा दिया है, हर देश में जैसा होता है वैसा हर जगह थोड़ा ना होता है, सब कुछ बंद कर दिया है, आना जाना ये कोई तरीका है, ये अच्छे दिन है, व्यापार नहीं हो रहा, मिलना जुलना बंद है, लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोई खुशियाँ नहीं है, घर में सब बंद होके रह गए हैं, लॉक कर दिया है, ना जाने क्या क्या, कहीं जाना था ज़रूरी काम से, शादी थी वो टालनी पड़ गई, ये करना पड़ गया, वो करना पड़ गया, लॉकडाउन खोल दिया, बताइए एकदम से कोरोना बढ़ गया, जब खोलना चाहिए था तब खोला नहीं, बंद रखा, अब जब बंद रखना चाहिए तो खोल दिया है। ये लोग समझते नहीं है यार क्या करते हैं ये लोग, मतलब अब कोई वक्त है खोलने का, अब अंदर करना चाहिए सबको, सरकार का कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ये कोई बात होती है, कोरोना फैल रहा है, इंटर स्टेट बॉर्डर सील कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, व्यापार की पड़ रही है, व्यापार क्या होना है, कौन आ रहा है व्यापार में, दुकानों पर खाली पड़ी है, कोई ग्राहक जाता नहीं, कोई किसी से मिलना और प्रोडक्ट्स दिखाना तो पसंद नहीं करता डर के मारे, क्या व्यापार होगा ऐसे में, इतना ज़रूरी था क्या व्यापार, जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यापार। हर तरह की बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें, हम सबको आज़ादी है बोलने की, बोलो भैया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया, चिंता करी तो दिक्कत, आपका व्यापार ना खराब हो जाए लॉकडाउन खोल दिया तो दिक्कत, इतना पक्का है कि हमें सुनाना है। आज की स्थिति यह है कि हमारे झांसी के अंदर 100 के ऊपर केसेस हैं और मोर्टैलिटी रेट तो सबसे ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे याद है 10 या 11 केसेस हैं 100 के अंदर, 10% का। डर लगता है, हर जगह बात हो रही है कि बड़े बाज़ार में इतना रश है, मानी चौक में इतना रश है, सिंगी बाज़ार की सारी गलियाँ खुली हुई हैं, इस तरह से कोरोना कहाँ जाएगा, और रोज़ केसेस निकल रहे हैं। भाइयों सिर्फ एक ही चीज़ है जो ध्यान रखनी है, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, मास्क लगाए बिना बाहर मत जाइए, बार बार हाथ धोइए, और सोशल डिस्टेंसिंग 2 फुट की डिस्टेंस बना के रखिए भाइयों, चाहे भले ही आपको 10 मिनट के लिए एक ऑटो का वेट करना पड़े, चाहे भले ही आपका एक दुकान पे जहां आपको काम है वहां आपको आधे घंटे बाहर खड़े रहना पड़े, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, कोरोना ने पकड़ लिया तो किस तरह की मुश्किलें आपको झेलनी पड़ेगी, आपके परिवार को झेलनी पड़ेगी, हमें नहीं मालूम, इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आदर अदाब, अभिनंदन आभार, संकेत कंचन, झांसी बाज़ार से, एक वीर और सच्चा बंदेली, थैंक यू।